आपका क्या ख्याल है कि साबका मैडम सीएम जिनको एक चालबाज किरदार बनाकर आवाम के सामने पेश किया जा रहा है, क्या इनसे रिजाइन लिया गया है या शर्मिंदगी के बाइस दिया है? बिल्कुल नहीं, ऐसी चालबाज औरत जो ना अपना इमेज बचा सके ना ही किसी के घर को आबाद रहने दे। आपको क्या लगता है, उन्होंने खुद ही कुर्सी छोड़ी होगी? उन्हें ये कुर्सी छुड़वाने के लिए प्रेशराइज किया गया होगा। तो आपके ख्याल में दानिया साहिबा ने यौदा लेने से मना क्यों किया जबकि वो खुद इसके? अस्सलाम वालेकुम नाना जान। वालेकुम सलाम। तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। डायरी बहुत अच्छी साथी होती है ना नाना जान, इंसानों से बहुत बेहतर होती है। वैसे कितने सारे राज अपने सीने में खजाने की तरह छुपा कर रखती है। आपकी बहुत पुरानी दोस्त है ना ये? हाँ, हाँ। लेकिन तुम आज इस डायरी को लेकर क्यों बैठ गई हो? क्या बात है भाई, मेरी तो बरसों की आदत है, छूटती ही नहीं। नाना जान इस डायरी में नानों की, अम्मा की और मेरी कहानियां और वाकयात है ना? है तो बेटा, पर ये सब क्यों कह रही हो? असल बात क्या है, मैं वो सुनना चाहता हूं, बताओ बेटा। फेरोज का फोन आया था। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, फिर से झूठे दिलासे दे रहा था, खुशियों की आस दे रहा था, कह रहा था घर वापस आ जा। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने फोन रख दिया। नाना जान आपकी इस डायरी में सारी रुदात तीन औरतों के गिर्द घूमती है ना, और मुझे लगता है कि मेरा चैप्टर इसमें खासा इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरा ख्याल है कि उसका एंड भी मुख्तलिफ होना चाहिए, क्योंकि एंड तो हमारे हाथ में होता है ना। बहुत खूब कहा, बहुत खूब कहा बेटी शहजादी। भाई साहब, वो शहरोज मियां और उनकी वालदा आए हैं बहुत सारे तोहफे और तोहफे लेकर। क्या शाहना बेगम और शहरोज? जी। नाना जान आप आराम से बैठे, प्यासा कुएं के पास आता है, आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। शर्फू चाचा ने ड्राइंग रूम में बिठाएं, मैं आती हूँ।